नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व मध्य रेलवे की 7 एक्सप्रेस ट्रेनें आज और कल रहेंगी रद्द। पटना यूनिवर्सिटी में आज से स्पॉट राउंड एडमिशन प्रक्रिया शुरू। राज्य के करीब 75% बच्चों की पढ़ाई है प्राइवेट ट्यूशन के भरोसे। आज शाम थम जाएगा 8वें चरण के चुनाव प्रचार का शोर। बेसहारों के लिए सभी जिलों में सरकार बनाएगी वृहद आश्रय गृह। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। घर घर दस्तक का दूसरा चरण आज से हुआ शुरू। आज से 5 दिनों तक यानी कि 27 नवंबर तक ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर कोरोना रोधी वैक्सीन देने का काम अपने दूसरे चरण के लिए शुरू हो गया है। पहला चरण 21 नवंबर तक चला था, जिसके दौरान 28.29 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया था। बताते चले कि यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित है, जिसके जरिए यह कोशिश है कि जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है, उन्हें घर पर ही जाकर वैक्सीनेट किया जाए। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत मोबाइल टीम लोगों के घर जाकर वैक्सीनेशन कर रही है। समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 125 घर पर एक मोटरसाइकिल मोबाइल टीकाकरण टीम बनी है, जिसमें एक वेरीफायर है और एक वैक्सीनेटर है। और राज्य में ऐसी करीब 18,000 टीमें बनाई गई हैं, जो कि दूसरे चरण में 27 नवंबर तक घर घर दस्तक देकर लोगों को वैक्सीन लगाकर सुरक्षित करेगी। पटना यूनिवर्सिटी में आज से स्पॉट राउंड एडमिशन प्रक्रिया शुरू। राज्य के सबसे पुराने विश्वविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी में स्नातक प्रथम खंड में दाखिले के लिए आज से स्पॉट राउंड के तहत ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इसके तहत आज मगध महिला कॉलेज की 162 सीटों के लिए आज सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक आवेदन लिए गए, जिसका परिणाम कल जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थी 24 नवंबर को अपना दाखिला ले सकेंगे। वहीं स्पॉट राउंड के तहत पटना साइंस कॉलेज में नामांकन के लिए 24 नवंबर को आवेदन लिए जाएंगे। वहीं इसके बाद पटना कॉलेज के 335 सीटों और कॉमर्स कॉलेज के 59 सीटों पर 26 नवंबर को आवेदन लिए जाएंगे, जबकि 28 नवंबर को बीएन कॉलेज के 237 सीटों पर नामांकन होंगे। पूर्व मध्य रेलवे की 7 एक्सप्रेस ट्रेनें आज और कल रहेंगी रद्द। बिहार और झारखंड के यात्रियों को 2 दिनों तक थोड़ी फसीहत हो सकती है, क्योंकि पूर्व मध्य रेलवे से जुड़ी लंबी दूरी की 7 सुपर फास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनें आज और कल के लिए रद्द की गई है। इसे लेकर पूर्व मध्य रेलवे की ओर से बताया गया है कि विजयवाड़ा मंडल के पुड़गुपाड़ू नेल्लौर रेलखंड पर स्थित रेल पुल संख्या 362 पर बारिश का पानी बहने लगा है। इसके चलते 22 नवंबर 2021 को यशवंतपुर एवं बेंगलुरु से प्रस्थान कर बिहार आने वाली 3 ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है। वहीं इस रूट की बिहार झारखंड से खुलने वाली 4 ट्रेनें भी रद्द की गई है, जिसके तहत गाड़ी संख्या 12296 दानापुर के SR बेंगलुरु संगमित्रा एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 22670 पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 13351 धनबाद LFP एक्सप्रेस और मुजफ्फरपुर से सोमवार को खुलने वाली गाड़ी संख्या 15228 मुजफ्फरपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस का परिचालन रद्द रहेगा। वाल्मीकि नगर से पटना में कैबिनेट मीटिंग शिफ्ट होने के बाद स्थानीय लोग हुए उदास। कल होने वाली बिहार सरकार की कैबिनेट मीटिंग वाल्मीकि नगर की बजाय पटना में होने के कारण यहां के स्थानीय लोगों में काफी मायूसी छा गई है। पिछले कई दिनों से बिहार के पश्चिमी चंपारण स्थित वाल्मीकि नगर के लोग इस बात से खुश थे कि 23 नवंबर को कैबिनेट मीटिंग इंडो नेपाल के बॉर्डर पर स्थित वाल्मीकि नगर में होने की संभावना है, जिसे लेकर प्रशासनिक तैयार भी हो रही थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से अब यह बैठक पटना सचिवालय में ही होने वाली है। इसे लेकर स्थानीय कांग्रेस नेता कहना है कि कैबिनेट की तैयारियों को लेकर लाखों करोड़ों खर्च किए गए और लोग मुंह ताकते रह गए। जानकारी के मुताबिक लाखों रुपए खर्च करके जर्मन हैंगर कैंप बनाया गया था, जिसमें अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब बैठक स्थगित होने के बाद इसको हटाया जा रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने में देरी होने पर छिड़ा महासंग्राम। बिहार में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने में हो रही देरी के खिलाफ बीते दिन दोपहर 1 बजे से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर महासंग्राम का आयोजन किया, जिसके तहत ट्विटर पर हैशटैग गिव बिहार टीचर्स अपॉइंटमेंट चला गया। इसके कुछ ही मिनटों में यह इंडिया में एक नंबर पर ट्रेंड करने लगा। ट्विटर ट्रेंड्स पर नजर रखने वाली साइट ट्रेंड्स मैप के अनुसार रविवार रात 8 बजे तक इस हैशटैग पर 6.5 लाख से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं। तो वहीं इस ट्रेंड में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस मुहिम में शामिल हुए। उन्होंने ट्वीट करते हुए सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। इस महासंग्राम को लेकर TET STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि बिहार में शिक्षकों के लगभग 3 लाख से अधिक पद खाली हैं, फिर भी सरकार 38,000 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने में आनाकानी कर रही है। राज्य के करीब 75% बच्चों की पढ़ाई है प्राइवेट ट्यूशन के भरोसे। पिछले एक दशक में आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे
प्राइवेट ट्यूशन की मदद से अपनी पढ़ाई लिखाई को पूरा कर रहा है। इतना ही नहीं, कई बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में महीने में हजारों खर्च कर देने के बावजूद भी बच्चों को कोचिंग की मदद लेनी पड़ रही है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट में भी यह बात सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि बिहार और बंगाल में दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे अधिक बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं। इसका खुलासा प्राइमरी एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रही एनजीओ असर 2021 की रिपोर्ट में हुआ है, जिसके मुताबिक बिहार के स्कूलों में साल 2020 में पढ़ने वाले 64.3% बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे, जबकि 2021 में 73.5% बच्चे ट्यूशन के भरोसे हैं। इसका मतलब है कि 26% के करीब बच्चे ही स्कूल या फिर सेल्फ स्टडी के भरोसे पढ़ रहे हैं। वही आपको बता दें कि इस मामले में केरल की स्थिति बीते 3-4 सालों से बहुत अच्छी है। आज शाम थम जाएगा 8वें चरण के चुनाव प्रचार का शोर। बिहार में 11 चरणों में प्रस्तावित राहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने 8वें चरण के करीब देखते ही देखते पहुंच गया है। फेज की वोटिंग 24 नवंबर को होनी है। इसे लेकर प्रचार प्रसार करने के लिए आज दिन भर का ही समय था, क्योंकि आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाने वाला है। बता दें कि इस चरण में सूबे के 36 जिलों के 55 प्रखंडों में चुनाव होना है, जिसके तहत 66,55,233 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें कुल 35,02,260 पुरुष मतदाता, जबकि 31,52,763 महिला मतदाता और 210 अन्य मतदाता भी शामिल है। आपको बता दें कि इस पेज में कुल 25,561 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। इसे लेकर 92,376 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से 42,803 पुरुष प्रत्याशी और 49,573 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। बेसहारों के लिए सभी जिलों में सरकार बनाएगी वृहद आश्रय गृह। बिहार में वैसे वृद्धजन जो अपने परिवार के द्वारा उपेक्षित हैं या फिर वैसे बच्चे जो किसी कारण से बेसहारा हो जाते हैं, उन सभी के लिए बिहार सरकार सभी जिलों में 5 एकड़ की जमीन पर वृहद आश्रय गृह बनाने की तैयारी में है। इस वृहद आश्रय गृह के तहत एक ही कैंपस में वृद्धाश्रम, बाल गृह और बालिका गृह बनाए जाएंगे। आपको बताते चले कि यह फैसला समाज कल्याण विभाग के द्वारा लिया गया है, जिसके तहत समाज के उपेक्षित बुजुर्गों, बच्चों और बालिकाओं को आश्रय दिया जाएगा। इस काम के लिए जमीन चिन्हित करने का काम कर लिया गया है। इस बारे में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बताया कि इसके निर्माण की कार्य योजना बहुत जल्द शुरू होगी। इस कैंपस में बालक और बालिकाओं को पढ़ने के साथ साथ खेलने की भी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्ग महिला और पुरुषों को साल में 3 बार विभाग के द्वारा पर्यटन स्थल या धार्मिक स्थल का दर्शन कराया जाएगा। हार्ड लैंडिंग के कारण पटना एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की विमान गड़बड़ाई। अभी बीते दिनों ही पटना एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी और अब एक बार फिर से स्पाइस जेट के ही विमान की लैंडिंग में परेशानी आने की खबर है। जानकारी के मुताबिक स्पाइस जेट की बेंगलुरु से आई फ्लाइट रविवार को पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान रनवे पर टच प्वाइंट से आगे निकल गई। समय के मुताबिक शाम 6 बजे एयरपोर्ट पर विमान पहुंच चुका था, मगर जहां पर विमान का पहिया उतरना था उससे करीब 1.5 मीटर आगे रनवे पर पहिया को उतरा, जिसके कारण से पायलट ने समय रहते हैवी ब्रेक लगाकर विमान की स्पीड को कम किया। इसकी वजह से यात्रियों को तेज झटका भी महसूस हुआ। हालांकि इस दौरान किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आपको बताते चले कि पटना एयरपोर्ट का रनवे अन्य एयरपोर्ट से छोटा है, जिस वजह से स्मूथ लैंडिंग में कई बार परेशानी आती है। अब जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। सूबे में सर्द गर्म की लुकाछिपी जारी है। रात के तापमान में बीते दिन थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे बीते रात लोगों को ठंड का एहसास ज्यादा नहीं हुआ। रात का तापमान बढ़ने के कारण हवा के रुख में परिवर्तन बताया जा रहा है। आसमान पर बादल छाए रह रहे हैं, इस कारण से बिहार के अधिकांश जिलों का तापमान सामान्य से लगभग 4 डिग्री अधिक है। पटना में लगातार 6 दिनों से आसमान पूरी तरह से साफ नहीं रह रहा है। आसमान पर हल्के बादल छाए रह रहे हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह से फिर ठंड अपना प्रभाव दिखाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक पछुआ हवाओं की सुस्त रफ्तार और मौसम शुष्क होने की वजह से, पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी की वजह से बिहार के सभी हिस्से में तापमान में 2 से 5 डिग्री की गिरावट होगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 से 17 के बीच रहने का अनुमान है। रालोसपा सांसद ने की किसानों को मुआवजा देने की मांग का समर्थन। प्रधानमंत्री द्वारा 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद अब आंदोलन में जान खोने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग उठ रही है। इसे लेकर विभिन्न विपक्षी पार्टियों ने मांग की है, तो वहीं अब केंद्र सरकार में शामिल पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद भी मुआवजा देने का समर्थन कर रहे हैं। इस बाबत केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की भतीजे और सांसद प्रिंस राज ने कहा है कि आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को अवश्य ही मुआवजा की राशि मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने विपक्ष द्वारा उठाई गई इस मांग का समर्थन भी किया। तो वहीं बिहार में शराबबंदी को लेकर प्रिंस राज ने कहा कि जहां जहां सूचना मिल रही है वहीं पुलिस छापेमारी कर रही है। प्रशासन शराब के अवैध कारोबार
पर शिकंजा कसने की कोशिश में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ने आयुर्वेद कॉलेज समेत अन्य अस्पताल का किया निरीक्षण। सुविधाओं के अभाव के कारण चर्चा में बने रहने वाले आयुर्वेदिक कॉलेज के विकास के लिए सरकार आए दिन कई ऐलान करती रहती है। इस बीच आज दिन के वक्त मुख्यमंत्री खुद ही पटना में एक साथ यूनानी और आयुर्वेदिक कॉलेज का दौरा किया, तो वहीं इस दौरान सीएम ने इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान का भी दौरा किया। इस बाबत उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से यूनानी और आयुर्वेदिक कॉलेज में भवन निर्माण से लेकर कई तरह के आधुनिक सुविधा मुहैया कराए जाने की जानकारी ली। तो वहीं इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में 10 मंजिला भवन बनाया गया है। पिछले लंबे समय से यहां भी कई तरह की आधुनिक सुविधाओं के लिए काम चल रहा है। साथ ही तीनों स्वास्थ्य संस्थानों में आगे क्या कुछ और किया जाना है, उस पर भी वरीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। राज्य में बढ़ते अपराध और बेरोजगारी को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम पर बोला हमला। आए दिन राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर सूबे के लोगों में खौफ बढ़ा है। अपराधियों के निशाने पर राज्य के पत्रकार आ रहे हैं। हाल ही में अपराधियों ने मधुबनी में एक पत्रकार की जान ले ली थी, तो वहीं इस बीच दो दिन पहले भी एक पत्रकार को गोली मार दी गई। इस घटना को लेकर विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ट्वीट में सीएम पर तंज कसते हुए लिखा कि कोई इसे जंगल राज कहेगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस पर जुर्माना लगा देंगे, विज्ञापन बंद करवा देंगे, ब्लैकमेल करेंगे, दूसरे तरीके से मैनेज करेंगे, लेकिन गुंडागर्दी जारी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने आरजेडी अररिया के एक ट्वीट को भी रिट्वीट किया है। तो वहीं बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते हुए एक अन्य ट्वीट में सरकार पर आरोप लगाया है कि बिहार को इन्होंने बेरोजगारी का केंद्र और देश को मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बना दिया है। अक्षय कुमार और अजय देवगन ने पूरा किया 3 दशक का सफर। अक्षय कुमार और अजय देवगन की फिल्म फूल और कांटे की रिलीज को आज 30 साल पूरे हो गए हैं। साथ ही दोनों अभिनेताओं ने बॉलीवुड में अपना 3 दशक का सफर भी पूरा कर लिया है। इस मौके पर अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक अजय देवगन के साथ वाली एक तस्वीर को शेयर कर अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए पोस्ट साझा किया है। इस फोटो में दोनों हंसते हुए दिख रहे हैं और दोनों ही पुलिस की वर्दी पहने हुए दिख रहे हैं। इस तस्वीर को ऑफिशियल ट्विटर पर अजय देवगन को टैग करते हुए अक्षय कुमार ने कैप्शन लिखा कि मुझे याद है जब हम नौसिखिए थे और आपके पिताजी हमको जुहू बीच पर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिया करते थे। मैं और तू साथ साथ जुहू बीच पर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस किया करते थे। वो भी क्या दिन थे। इस मामले में रोहित शर्मा ने कोहली को छोड़ा पीछे। भारतीय T20 टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने बीते दिन कोलकाता में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में 31 गेंदों में 3 छक्के व 5 चौके की मदद से 56 रन बनाए। अपने इस पारी में इन 3 छक्कों की मदद से वो भारत के लिए T20 क्रिकेट में 150 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। साथ ही किसी T20 इंटरनेशनल मैच में 50 या उससे ज्यादा की पारी खेलने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बन गए। आपको बताते चले कि ये 30वां मौका था जब उन्होंने T20 इंटरनेशनल मैच में 50 रन या फिर उससे ज्यादा की पारी खेली है। उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने अब तक 29 बार ये कमाल किया है। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आपके जिलों में बच्चे सरकारी या निजी स्कूल की पढ़ाई से संतुष्ट हैं या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।